अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्नी एंड स्किन केयर। पिछले दिनों क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा था, ऑटम में और स्प्रिंग में मोस्टली मुझे एक्नी का इशू स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली मुझे इतनी ज़्यादा एक्नी होती नहीं है, टीन एज में होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, बट अब नहीं होती। और अक्सर होती है तो इतनी सवेर नहीं होती, लेकिन दूर दूर करके दाने निकल आते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करते हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरी चिन पे थोड़े 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 निकले हुए हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सीजन। मोस्टली मुझे चेंजिंग सीजन में हो जाता है, सो इट इरीटेट्स मी अलॉट, इट लिटरली इरीटेट्स मी अलॉट। तो मैंने बहुत से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं पिछले एक दो महीनों में, प्लस ओवरऑल आई वॉज गोइंग थ्रू अलॉट, सो आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपनी मेंटेनेंस करना, अपना ख्याल करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैं रेगुलरली जिम जाती थी और स्किन केयर करती थी, हेयर केयर करती थी, लेकिन पिछले दो तीन महीनों में आई लिटरली लेफ्ट एवरी सिंगल थिंग, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। उसका रिजल्ट भी हो सकता है कि ऑब्वियसली एक बंदा जो अपनी स्किन को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखता है, हर वक्त इतना ख्याल करता है, और वो एकदम से करना छोड़ दे, तो आई थिंक उसकी वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। सो बहुत सी प्रोडक्ट्स ट्राई की हैं, कुछ सूट की, कुछ नहीं की, कुछ हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। जेन फर्म की प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हैं, इट्स अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, आप लोगों ने इनकी वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तीन से चार चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बारी बारी आज की वीडियो में यूज़ भी करके दिखा दूँगी, एंड ओवरऑल उनके बारे में बता भी दूँगी, बिकॉज दे वर हेल्पफुल फॉर मी, सो आई थिंक आई शुड शेयर देम विद यू गाइज, इट माइट हेल्प यू एज वेल। उनका एक्नी बंडल मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे ऑब्वियसली दानों का प्रॉब्लम हो रहा था, सो एक्नी बंडल में इनकी तीन से चार चीज़ें हैं, जिसमें एक फेस वॉश आता है, अच्छा है बहुत वो फेस वॉश, उसमें क्या होता है मॉइस्चराइजर आता है, सीरम आता है, और एक SPF आता है। सबसे पहली प्रोडक्ट जो मैंने इनकी यूज़ किया ना, वो ये है, एक्नी फेस वॉश है, ठीक है। इसमें इसकी तीन से चार इशूज़ हैं जो आपकी स्किन के ये सॉल्व कर देते हैं। कुछ लोगों को मिलाइजमा हो जाता है और एक्नी हो जाती है और ब्लेमिश हो जाते हैं, उन तीनों चीज़ों के लिए दिस इज़ गुड। मेरे दाने थे चीक्स पर भी निकले हुए थे और वो काफ़ी कम हो गए हैं, चिन वाले भी विद टाइम कम हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम फॉर द प्रोडक्ट्स टू वर्क, बिकॉज दीज आर नॉट मैजिक थिंग्स कि आप एक दफ़ा लगाएंगे और आप लोग परफेक्टली फाइन हो जाएंगे। देर इज़ अ प्रॉपर रूटीन, देर इज़ अ प्रॉपर स्केड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो टू मेक योर स्किन लुक फाइन, ठीक है। प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इस तरह से आपकी स्किन केयर, आपकी स्किन को दोबारा हेल्दी होने में भी टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस। इसका जो ये आपकी स्किन को जो है जेंटली एक्सफोलिएट कर देता है, और आपके जो पोर्स में जो डर्ट वगैरह होती है, इट क्लेंजेस दैट आउट। अगर आपकी स्किन ऑयली है, उस पर्पज़ के लिए भी दिस वन इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और जिसका टेक्स्चर है, दैट इज़ लाइक जेल, लेट मी जस्ट शो यू गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ जेली लाइक टेक्स्चर, और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है। अब इसको अप्लाई करते हैं स्किन पे, लेट मी जस्ट क्लेंज माई फेस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सारे प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को साथ साथ यूज़ करके भी दिखाऊंगी। डू नथिंग, जस्ट आराम से अपनी स्किन की क्लेंजिंग कर लें। स्किन केयर, स्किन की मेंटेनेंस, आपकी हेल्थ की मेंटेनेंस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी साथ साथ मेंटेन करना छोड़ देते हैं ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जस्ट गो फॉर द मेंटेनेंस पार्ट, जब आप खुद को मेंटेन करते हो ना, तब जाके आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ें सही रहती हैं। सो बजाय इसके कि आपको एक्नी फुल ऑन हो जाए, बजाय इसके कि आपकी स्किन बिल्कुल तबाह हो जाए, उसके बाद जाके आप लोग एक्सपेंसिव इलाज करवाओ, आप लोग शुरू से ही अपनी स्किन की मेंटेनेंस के लिए चीज़ें करो। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो आपको जो भी चीज़ें रिकमेंड करते हैं वो करो, हेल्दी चीज़ें खाओ, साथ साथ हर चीज़ को मेंटेन करो। साथ साथ करना इज़ वे मच ईजियर देन कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाए आपकी स्किन पर, उसके बाद आप उसके इलाज के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे हो। सो एज़ यू ऑल कैन सी कि वी आर डन विद द क्लेंजिंग पार्ट। क्लेंजर की एक अच्छी बात यह है कि इसको यूज़ करने के बाद ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कोई और फेस वॉश या कुछ यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है कि ड्राई हो गया है फेस, और जैसे साबुन के साथ आप फेस वॉश करते हो तो एकदम ड्राई होकर खिंच जाता है। इस फेस वॉश का ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आपको अपनी स्किन पर बहुत वियर्ड किस्म की ड्राइनेस नहीं फील होगी, क्योंकि नॉर्मली जो ऑयली स्किन के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो आपके फेस को बहुत एक्सट्रीम ड्राई कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि जैसे भी स्किन मेरी खींच रही है। सो यू वॉन्ट फील दैट विद दिस वन, इट्स अ वेरी गुड वन। आप लोगों को डिस्काउंट कोड भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग अपने ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं यूज़ कर रही थी ना पिछले दिनों, वो ये है डर्मिव ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इट्स पैक्ड विद हाइलुरोनिक एसिड प्लस इट हैज़ SPF 20, और ये जो है आपके सारे ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी लाइट ऑन योर स्किन एंड इट्स नॉट ग्रीसी एट ऑल। सो क्लेंस करने के बाद अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें। इसमें क्या होता है, ये है कि आप अगेन, इससे आपको जो ग्रीसी ग्रीसी फील्स आती है ना,
जिससे मतलब आप लोग लगाते हो और मुंह के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कुछ तेल लगा लिया है, समथिंग लाइक दैट. इसका वैसा कोई सीन नहीं है. ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है और साथ में जो है ना आपको ग्रीसी फील्स भी नहीं आती, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो इसको आप अच्छी तरह लगा के अपने फेस पे मसाज कर लें, बेशक इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन. जेन फार्म के ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो क्लिनिकली टेस्टेड हैं, ठीक है, और अप्रूव्ड बाय अ लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट, आप लोग क्या होता है ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिंडालिक सीरम, ठीक है. वो इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है. इट हैज़ मिंडालिक एसिड इन इट 20%. इन ये आपकी स्किन पे जो पिंपल्स होते हैं, जो एक्नी होती है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है. ये आपकी स्किन पे रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है. और ये जो आपकी स्किन पे ब्लेमिशेज वगैरह आ जाते हैं, आपकी टोन ख़राब हो जाती है, अनइवन हो जाती है, ये उसके लिए है. इससे आपकी स्किन ओवरऑल जो बहुत डल हुई हुई होती है, मतलब जो भी आपकी स्किन टोन है उसके हिसाब से जो भी आपका शेड है वो डल हुआ हुआ है, इफ़ यू यूज़ इट रेगुलरली तो आप जो हैं आपकी स्किन का जो डलनेस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी. विंटर में तो इसको यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर द विंटर्स. मैंने अभी मॉइस्चराइजर लगा रही है, मेरे हाथ स्लिप कर रहे हैं, आई कैन नॉट ओपन इट. आपकी स्किन विंटर्स में मोस्टली डल बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. बेसिकली जो सीरम है ना, ये आपका एट होम पीलिंग सोल्यूशन है. इसको आपने डे टाइम में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसको आपने रात में लगाना है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने इसको अपने मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके यूज़ करना है और डे लाइट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इसको लगा के 2 आवर्स के बाद वॉश ऑफ कर लें, ठीक है. और कुछ वीक्स के यूज़ के बाद आप लोग चाहें तो आप लोग इसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर सकते हैं. मतलब कि 2 आवर्स के बाद वॉश करने के बजाय आप इसको 3 आवर्स के बाद वॉश कर लें, 4 आवर्स के बाद वॉश कर लें. उसके बाद वंस योर स्किन इज़ यूज टू इट तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप लोग नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन में जो जो प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, वो भी ईजिली आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है. जो मेरी इनके बंडल में सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ना, वो ये स्पेक्ट्रा मैट है और ये सनस्क्रीन है. बहुत अच्छा है, नॉन ग्रीसी है. अगेन आपको सर्दियों में सनस्क्रीन लगा के जाने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, टैनिंग हो जाती है और टोन आपकी स्किन की बहुत शदीद ख़राब हो जाती है. हाथों का और शेड होता है, बाजुओं का और शेड होता है, मुंह का और शेड होता है, गर्दन का और शेड होता है, विच लुक्स वियर्ड. ये ऑयली स्किन के लिए है अगेन. और आप लोगों को एक मज़े की बात ये बताऊं कि जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं, इसको हमेशा आपने बाहर जाने से पहले 30 मिनट्स पहले लगाना है, ठीक है. और जब आप इसको लगाएंगे ना, कुछ सनस्क्रीन होते हैं जिनको आप जब लगाते हो तो आपको वो वाइट वाइट चीज़ छोड़ के चले जाते हैं. ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है या फिर आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है बहुत गंदा किस्म का, जो कि ख़राब था और वो ब्लेंड नहीं हुआ सही से. इसकी सबसे मज़े की बात यही है कि ये जो है आपको इसमें वो वाइट वाइट पैचेस आपकी स्किन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, ठीक है. बस आपको इसको आराम से लगाना है, कोई इसके साथ आपको वो फाउंडेशन वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपने स्किन पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़े. बस आपने लगा लिया एंड इट्स गॉन, देयर इज़ नो वाइट थिंग इन इट, नो वाइट पार्टिकल्स ऑन योर फेस. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि यार फाइनली एक ऐसा SPF भी है इस दुनिया में जिसको आप अपने मुँह पर लगाओगे तो आपको वो वाइट वाइट गंदा गंदा पैचेस वगैरह नहीं बनेंगे. आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट नो, कुछ होंगे अच्छे भी होंगे जो वाइट पैचेस बना देते होंगे, बट मैं उस लुक के साथ बाहर नहीं जा सकती बिल्कुल भी. दिस इज पैराबिन फ्री, दिस इज परफ्यूम फ्री एंड दिस इज ऑल्सो नॉन ग्रीसी. सो आप लोगों को डिस्काउंट कोड अगेन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा. आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हैं एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स होती हैं. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली से ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.